सनसनी ऑफ इंडिया। सागर धनखड़ हत्याकांड में वांटेड व ओलंपियन सुशील पहलवान के दो साथी पिछले डेढ़ साल से पुलिस को चकमा देकर बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों में छिपे हुए थे, किंतु क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम आरोपियों से चार कदम आगे निकली और खेतिहर मजदूर बनने का नाटक करके आरोपियों तक पहुंच गई। सागर धनखड़ हत्याकांड में जांच के दौरान सुशील पहलवान सहित 18 आरोपियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन दोनों आरोपी हत्या के बाद से फरार थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। वांटेड आरोपियों की पहचान विलेज सुल्तानपुर दबास निवासी 28 वर्षीय अंकित दबास व पूटकला रोहिणी निवासी 43 वर्षीय जोगिंदर उर्फ काला के रूप में हुई है। दिनांक 5 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ओलंपियन सुशील पहलवान ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जांच के दौरान ओलंपियन सुशील पहलवान सहित कुल 18 आरोपियों को तो पुलिस ने दबोच लिया था, लेकिन दो आरोपी जोगिंदर उर्फ काला और अंकित दबास वारदात के बाद से ही फरार थे। दोनों आरोपी खुद को छिपा रहे थे और लगातार ठिकाने बदल रहे थे। सागर धनखड़ हत्याकांड में वांटेड दोनों आरोपियों की मूवमेंट और एक्टिविटी पर क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगातार नजर रखे हुए थी, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग रहा था। पूरे डेढ़ साल के बाद क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर में तैनात इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि सागर धनखड़ हत्याकांड में वांटेड दोनों आरोपी यूपी में जिला बागपत के ग्रामीण इलाकों में कहीं छिपे हुए हैं। इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी को इन्फॉर्मेशन देने वाले मुखबिर के पास आरोपियों के बारे में और अधिक जानकारी तो नहीं थी, लेकिन वो इस बात के लिए जरूर श्योर था कि आरोपी बागपत के ग्रामीण इलाकों में कहीं छिपे हुए हैं। वांटेड आरोपियों को दबोचने के लिए रोहित मीणा डीसीपी क्राइम ने अरविंद कुमार एसीपी क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की सुपरविजन व इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी एसआई सचिन सिंह हेड कांस्टेबल परमजीत व परविंदर की एक टीम का गठन किया। क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम आरोपियों की तलाश में यूपी के बागपत इलाके में पहुंची। बागपत का ग्रामीण इलाका कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, ऐसे में आरोपियों को खोजना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और सस्पेक्ट इलाकों में टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बागपत के ग्रामीण इलाकों में दूर दूर तक खेत ही खेत थे। आरोपियों का सुराग खोजने के लिए इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी ने एक योजना बनाई। योजनानुसार पुलिस टीम के कुछ सदस्यों को मजदूर होने का नाटक करने को, क्राइम ब्रांच का स्टाफ सादी वर्दी में खेतिहर मजदूर बनकर बागपत के ग्रामीण इलाकों की एक एक गली में घूम घूम कर आरोपियों की तलाश में लग गया। पुलिस टीम को काफी मशक्कत के बाद वांटेड बदमाशों के बारे में सुराग मिल ही गया। टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि दोनों आरोपियों को बागपत के गांव बलैनी में खेतों के पास से दबोचा जा सकता है। क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। टीम ने तुरंत बलैनी गांव को चारों ओर से घेर लिया। क्राइम ब्रांच की मौजूदगी को भांप कर दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने आरोपियों को भागने का मौका नहीं दिया और दौड़कर मजबूती के साथ कसकर दबोच लिया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि 28 वर्षीय अंकित दबास दिल्ली के गांव सुल्तानपुर दबास का रहने वाला है। इसने 12वीं तक पढ़ाई की है। यह सुशील पहलवान को पिछले 6-7 सालों से जानता था। घटना के दिन यह सुशील पहलवान के करीबी दोस्त अजय के बुलावे पर छत्रसाल स्टेडियम गया था और सुशील पहलवान के साथ मिलकर पहलवान सागर धनखड़ को पीटने में शामिल हो गया। इसके खिलाफ थाना शाहबाद डेयरी में भी जबरन वसूली का एक मामला पहले से दर्ज है। दूसरा आरोपी 43 वर्षीय आरोपी जोगिंदर उर्फ काला सेक्टर 20 पूटकला रोहिणी का रहने वाला है। इसका जन्म गांव असोधा जिला झज्जर हरियाणा में हुआ था। यह सुशील पहलवान से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिला था। गिरफ्तार आरोपी जोगिंदर और सुशील पहलवान एक दूसरे को 14-15 साल से जानते थे। घटना के दिन वह सुशील पहलवान के करीबी दोस्त अजय के बुलावे पर छत्रसाल स्टेडियम गया था और यह भी और सुशील पहलवान के साथ मिलकर पहलवान सागर धनखड़ को पीटने में शामिल हो गया। फरारी के दौरान दोनों आरोपी किसान आंदोलन के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच कुछ देर रुके थे। किसान आंदोलन के बाद अंकित हिमाचल प्रदेश भाग गया था और वहां एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मजदूर के रूप में काम करने लगा, और वहीं आरोपी जोगिंदर हरिद्वार शिफ्ट हो गया था और वहां विभिन्न मंदिरों और धर्मशालाओं में रहने लगा। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हां, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में।
रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।